नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, वो है कैट्स आई, यानी लसुनिया के साथ क्या हम मोती डाल सकते हैं। लसुनिया केतु ग्रह का रत्न माना गया है और मोती चंद्रमा से रिलेटेड माने जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्पेशली बोला गया है, जो इन रत्नों को इकट्ठा धारण करेगा या डालता है, उसके लिए बहुत ही परिणाम घातक हो जाएंगे, क्योंकि चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों आपस में एंटी प्लेनेट हैं। इसी तरह मैं बता देना चाह रहा हूं कि इन दोनों रत्नों का भी आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपने इन दोनों रत्नों में से या दोनों रत्नों को इकट्ठा धारण किया हुआ है, तो दोस्तों इमीडिएटली इनमें से एक रत्न को आप उतार दीजिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, बढ़िया नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट्स करेगा। अब करेगा क्या? देखिए, केतु जो है चंद्रमा के साथ जब आ जाएंगे तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, हाथ आए मौके अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। आप फैसले बहुत बड़े ले लेते हैं लाइफ के अंदर कि मैं ये करूंगा 2018 में, 19 में, 20 में, यहां से ये उठाऊंगा, वो कर दूंगा। दोस्तों आप पिटेंगे बहुत बुरी तरह, बहुत ही आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये योग वो योग है जो आपको यहां से नीचे गिरा देगा, पाताल की तरफ लेके जाता है ये योग। बचना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। आपने, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर ने अगर ये दो पत्थर इकट्ठे डाले हुए हैं, तो इमीडिएटली इनमें से एक पत्थर अभी के अभी आप उतार दीजिए। फायदा मिलेगा ये निश्चित है। हां, बाकी अगर आप इन दोनों पत्थरों को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि इनमें से एक पत्थर डालने के पश्चात दूसरे ग्रह के आप उपाय ले सकते हैं। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन तो बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे 94.3 MyFM पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण पर्सनली या टेलीफोनिकली मेरे से करवा सकते हैं। घर बैठे, दूर है, आना मुश्किल है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।